देखिए यहाँ पे मैच चला है और कुछ ग्राउंड के नजारे, ऊपर को बड़ी बड़ी पहाड़ियां है ग्राउंड। फिर से वही जो पहले का माहौल होता था, फिर से वही माहौल होता था, मगर हमने फिर भी एक और अपने बंटी भाई है, रणजी प्लेयर। पी रहे सर, थैंक यू। और हेलो एवरीवन, तो गुड मॉर्निंग। तो भाई स्वागत है आपका एक मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो भाई आज का प्लान ये है कि हम जा रहे हैं आज खेलने, मैच खेलने। बहुत टाइम बाद, लगभग 10-11 दिन बाद हम मैच खेलने जा रहे हैं आज। तो हमारा सेकंड राउंड है, जो आपने इससे पहले वाला ब्लॉग देखा था वहाँ पे वो फर्स्ट राउंड था, सेकंड राउंड है। तो हम आज सेकंड राउंड खेलने जा रहे हैं। तो निकलते हैं अब रोड की ओर। हम हाटकोटी और आगे चले बंटी भाई की गाड़ी। ये देखिए आप, आज बंटी भाई भी है स्क्वाड में। भाई ये पहुंच चुके हम ग्राउंड। अभी हमारा मैच चला नहीं है, इस मैच के बाद शायद हमारा मैच होगा। तो ये अपने बॉयज, हेलो बॉयज, हेलो टोपू सिंह। और भाई अब पहुंच चुके हैं, धूप बहुत तेज है यहाँ पे, बहुत गर्मी है। तो इसके बाद हमारा मैच है। बाकी बॉयज देखिए यहाँ पे मैच चला है और कुछ ग्राउंड के नज़ारे, ऊपर को बड़ी बड़ी पहाड़ियां है ग्राउंड के साथ। ये जो मैच है नया ग्राउंड पे खेला जाएगा, पहले एक रख लगा तू पर, फिर विंडो टाइम ओवर सिस्टम से ये एक अच्छी ग्राउंड है। यहाँ पर हल्की सी अपील है, लग देखना ये है कि किस तरह से अपनी टीम को मैनेज कर पाते हैं और तुमसे बाहर। फिर से वही जो पहले का माहौल होता था, फिर से वही माहौल होता था, मगर हमने फिर भी जो है जितने बदले अच्छी गेंद और दबाव बढ़ता रहेगा, और जब उसके बीच बाद कोई गलत शॉट सिलेक्शन करेंगे, लग को अपनी स्ट्राइक पे भी चलाते रहना है, बड़े शॉट को कन्वर्ट भी करना है। खेल शुरू किया है लेकिन वहां पर खिलाड़ी है, एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। टहलते हुए दोनों खिलाड़ियों ने एक रन पूरा किया, एक रन से बड़ा कुछ रहेगा नहीं करने के लिए। पढ़ने के बाद कमर की ऊंचाई की कैद अंदर की तरफ करती हुई, एक रन पूरा करेंगे, दूसरा रन गिफ्ट देंगे वहां। बस तरीके से ही खेला गया, हालांकि उठाकर जरूर खेलना चाहते थे, जरूर कहीं ना कहीं मंथन करने की आवश्यकता है क्रासा को अपने बल्लेबाजी को लेकर के। ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के साथ की पांडा ही शांत रही है, क्रीज पर पहुंच तो मचल की आनोबा निशाना प्रवीण, जिन्होंने अपने प्रदेश और हमारे इस अच्छी गेंद और रक्षात्मक अनुभव हासिल किया इन्होंने, और उसी का यहां पर एक छोटा सा नमूना दिखाया। प्रयास रूप किया था, छिटक गई थी आखिरी बॉल पर, और जिस लिहाज से वहां पर प्रवीण ने बल्लेबाज और बाएं हाथ की ये क्या है, तो ऑप्शन से है बहुत कुछ करने के लिए। क्रासा की गेंदबाज के पास ये कैद है, खिलाड़ी उससे नीचे आ रहे हैं, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा गैप था। वहां मैच खेला जा रहा है क्रासा और शिविर के बीच में, और परेशानी होती है इसी बीच। अच्छी गेंद और अपने अच्छे तरीके से खेल दिया है, सीधा इस सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए खिले द्वारा। फिर से अच्छी गेंद रक्षा, फिर से सुंदर शॉट यहाँ पर, सीधा ही बाउंड्री लाइन से बाहर चार रन के लिए। थक सा गया है, गड़गड़ाहट मोटी बारिश और गाइस। तो भाई बारिश की वजह से मैच पूरा हुआ नहीं, अब हम घर जा रहे हैं। और अभी हम रोडू में ही है, जाम बहुत लगा हुआ है रोज की तरह, रोडू में जाम
और एक इनिंग होगी थी, 3-2 रन बनाए थे दूसरी टीम ने, तो हमारे 3 ही ओवर हुए। तो अब घर की ओर जा रहे हैं, मैच ये शायद अगर कल होगा 3 से शुरू होगा, अगर परसों होगा तो नया मैच शुरू होगा 24 घंटे बाद। और रोड में लगी है बहुत गंदे वाली बारिश रोज की तरह, देखिए बारिश हो रही है बहुत गंदे वाली। हेलो एवरीवन, तो गुड मॉर्निंग भाई। तो कल का मैच पूरा हुआ नहीं, तो आज वो मैच, आधा मैच जो बचा वो पूरा होगा, तो आज हम उस मैच को खेलने जा रहे हैं। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और देखिए आँखों में भी नींद है, भले मैं नहा चुका हूँ भी नींद लगी हुई है। तो निकलते हैं, आज का मैच पूरा खेलते हैं, फिर आज ही इस ब्लॉग को अपलोड करेंगे। तो निकलते हैं रोडू की ओर, सूर्य बहन आ रहा है गाड़ी लेके, तो उसकी गाड़ी में जाएंगे हम आज। तो भाई हमारा मैच यार फिर से शुरू होगा, कमेटी वालों ने थोड़ा गन पा दिया, दूसरी टीम भी नहीं मानी, और अभी हम जा रहे ब्रेकफास्ट करने और इधर जाम लगा अपने और जाम लगाया रोज की तरह रोडू में, रोडू का जाम। तो भाई हम आए हुए यहाँ पर रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने, ये टोपू सिंह है, ये अपना रेस्टोरेंट है सारा, और अपना तो नहीं है यहाँ पे आए हम अपना ही है। और अभी हम यहाँ पर आपको रेटिंग बताएगी, बार कोड भी इसमें ही दिया हुआ है, और ब्रेकफास्ट करते फिर निकलते हैं। मैच इसके बाद होगा आज दूसरा मैच होगा। तो ये देखिए भाई, ये नाम रेड चिलीज पर यहाँ से पूरा आ नहीं रहा है, कैप्चर नहीं हो रहा है, और यहाँ से रोडू का नज़ारा देखिए। तो भाई ये आ चुका है अपना ब्रेकफास्ट, परांठा आ चुका है, चाय आ चुकी है, बटर आ चुका है, और ये भूखा लग गया खाने और इसका ड्राई परांठा है हमारा, ऑयल वाला है, और तो जितनी जल्दी क्या लगी आराम से खा ले, और खाते फिर चेक करते जरा चाय कैसी बनी है। चाय ठीक है, अच्छी चाय, अदरक कम है। पता है आज अपनी टीम का ऐसा खेली है कि अब इसको खेल दिया है, बैलेंस ब्रेक ड्राइव बिना किसी नुकसान के पारी के लिए दूसरे ओवर अपने गति पर, लेकिन इसको खेल दिया है लॉन्ग मैन के क्षेत्र में, बैलेंस ऐसी मेरे घर की तरफ देखने ये रोक पाती है नहीं, बिल्कुल बाउंड्री से 2 फुट अंदर गेंद को क्षेत्र में ही निपटा, जब तक की बॉल को फील्ड करते प्रवीण एक बार फिर से राइट आर्म और विकेट, अच्छी गेंद थी, खेल दिया गया उसे हल्के हाथों से, पॉइंट के क्षेत्र में ये गेंद अच्छी गेंद,
तो हेलो गाइस, और हम आज मैच जीत गए दोबारा फिर से, और इसके बाद तो भाई हम आज मैच जीत गए अपना सेकंड राउंड, और कल गंद पड़ा था और ये हमारी नई किट है ये अपना लोगों को पढ़ वाली चिल्ली, और हम दोनों ने पहने सुरे भाई ने चेंज कर दिया है। ईशान भाई फोन पे लगे हैं अभी, और भाई हमने आज उनकी फाड़ के रख दी पूरी तरह से, ज़्यादा तेज बन रहे थे हमारे साथ तो हमने कर हम करके ले भाई। इस टाइम हम रोडू में और इसके बाद चलते घर के लिए। मैच बड़ा अच्छा रहा, बंटी भाई ने आज पीट दिया वो पूरी तरह से, सुबह रो रहे थे ज़्यादा क्योंकि कल का मैच पूरा नहीं खेला उन्होंने, नया मैच में उनसे फिर 9 ओवर में फिर 4 रन नहीं बने।